Children, we were doing chapter 8, The Missile Man of India. I hope you have gone through the chapter during your winter break. I hope you all have enjoyed your winter break. Wish you a very, very happy new year. Children, today we are going to start the back exercises of chapter 8, The Missile Man of India. Open page 67. Language structure. The first topic is prefix. Question is, choose the appropriate prefix for the following words to make their antonyms. Prefix मतलब word के आगे कुछ fix करना है, pre, पहले. तो word के पहले कुछ fix करना है, कुछ लगाना है. और उसको लगाने से उस वर्ड का क्या बन जाएगा? एंटोनिम. एंटोनिम मींस ऑपोजिट बन जाएगा उस वर्ड का. ओके, सो देखो आप नीचे अन, इम, इन, डिस दिया हुआ है. बेटा जो आपकी बुक है, बुक में यू एन अन है, सेकंड बॉक्स में सेकंड जो कॉलम है उसमें आई एन लिखा है और थर्ड में भी आई एन है. तो सेकेंड आई एन को आप आई एम बना दो. यू राइट एम, एन को एम बनाना है आपने. ये ठीक है. देन थर्ड इज आई एन एंड फोर्थ कॉलम इज डिस, डी आई एस, डिस. सो नाउ द फर्स्ट वर्ड इज पेशेंट. सो पेशेंट के आगे आप क्या लगाओगे इन चारों में से कि वो उसका एंटोनिम बन जाए? So you will add I am impatient. ठीक है, वो बन जाएगा impatient. I have written. You also have to write like that. Next word is agree. So agree का उल्टा यानी opposite क्या है? Disagree. So आपने D-I-S add किया और ये लिख दिया disagree. Okay. Third word is appear. Appear में भी आप क्या add करोगे पहले? Disappear. D-I-S. A double P E A R, disappear. Next is possible. Possible का antonym impossible. So आपने यहाँ add किया I M P O double S I B L E, impossible. Capable. Capable का उल्टा incapable. I N in capable. तो आपने add क्या करना है? Suffix, sorry, prefix क्या है? I N. तो incapable. Adequate. एडिक्वेट के लिए भी आपका प्रिफिक्स है इन, इन एडिक्वेट. प्योर, इम प्योर, आई एम इम पी यू आर ई, प्योर, इम प्योर. प्रॉपर, इम प्रॉपर. ओके, हैप्पी, अनहैप्पी. आपको यू एन प्रिफिक्स ऐड करना है और उसको अनहैप्पी बनाना है. राइट, लाइक, डिसलाइक. एंडिंग, अनएंडिंग. Excuse me. Accurate, inaccurate. Okay. Now the exercise B is adding suffixes. अभी आपने prefix add किया था यानी पहले, और अब आप suffix add करेंगे यानी बाद में. Success, success पे आपने add किया full, हो गया successful. End, end में less add किया, हो गया endless. कन्फ्यूज, इसमें आपको ई रिमूव करना है और आई ओ एन ऐड करना है. सो कन्फ्यूजन. बैड, बैडली. इम्प्रेस, इम्प्रेशन, आई ओ एन ऐड किया आपने. फाइनल, फाइनलाइज, आई जेड ई ऐड किया. ओके बेटा. मूव, मूवेबल, ई रिमूव करके ए बी एल ई, एबल ऐड किया. एम, एमलेस, लेस ऐड करना है. चाइल्ड, चाइल्डिश, आई एस एच ऐड किया बच्चा. ग्रेट, ग्रेटली, एल वाई ऐड किया. ओके, सो सफिक्स मतलब जो बाद में ऐड करते हैं वर्ड और न्यू वर्ड बनाते हैं. ओके,
चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज ग्रामर ग्ली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर समथिंग दैट बिगैन और हैज हैपेंड इन द पास्ट बट इज कंप्लीटेड और होल्ड्स इम्पॉर्टेंस इन द रीसेंट प्रेजेंट. जो काम शुरू तो पास्ट में हुआ था पर वो ख़त्म अभी अभी हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट में. रीसेंट प्रेजेंट मतलब जस्ट अभी ख़त्म हुआ हो, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वी यूज हैज़ विद द पास्ट पार्टिसिपल और द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ऑल सिंगुलर नाउन. जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ आप हैज़ यूज़ करते हैं और हैज़ के साथ क्या लगाते हैं? पास्ट पार्टिसिपल या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और हैव लगाते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ और आई और यू के साथ भी. जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं या आई और यू है इन तीनों के साथ आप हैव लगाते हैं. हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म. हैज़ लगता है सिंगुलर नाउन के साथ, हैव लगता है प्लूरल नाउन और आई और यू के साथ, और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल या फिर थर्ड फॉर्म तो लगना ही लगना है, दोनों केसेस में लगता है. ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में वर्ब गिवन है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म फिल करना है. आर टीम. अब आर टीम क्या है? टीम कलेक्टिव नाउन है, इसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए इसमें आपका सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करके सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगना है? हैज़. सो आर टीम हैज़. और थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड. सो इसमें आया आर टीम हैज़ प्लेड ब्रिलियंटली इन ऑल द मैचेस. नेक्स्ट आई. आई के साथ क्या आता है? आई और यू के साथ प्लूरल वाला, राइट? प्लूरल नाउन्स आई एंड यू, उनके साथ हैव लगता है ना. सो आई हैव रेड दिस बुक. इसका सिर्फ प्रोनंसिएशन डिफरेंट होता है. फर्स्ट फॉर्म में रीड, सेकेंड फॉर्म में रेड, थर्ड फॉर्म में भी रेड, इसलिए ये रेड है थर्ड फॉर्म. आई हैव रेड दिस बुक. ओके, नंबर थ्री रेनू डैश. अब रेनू आपका सिंगुलर नाउन आएगा इसके साथ, इसलिए हैज़ रेनू इज सिंगुलर नाउन. रेलू रेनू सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं? हैज़, इसलिए रेनू के बाद हैज़ लिखा. प्लांट का थर्ड फॉर्म क्या है? प्लांटेड. तो रेनू हैज़ प्लांटेड ट्रीज इन द नेबरहुड. नंबर फोर ईवा एंड अमर. ये आपका प्लूरल नाउन हो गया क्योंकि एंड के साथ दो सिंगुलर नाउन ऐड किए हैं, तो ये प्लूरल नाउन बन गया. तो ईवा एंड अमर हैव. मिस का थर्ड फॉर्म मिस्ड. सो ईवा एंड अमर हैव मिस्ड देयर इम्पॉर्टेंट मीटिंग. नंबर फाइव वी. वी आपके साथ प्लूरल नाउन आएगा. वी हैव मेड. सॉरी, वी के साथ प्लूरल नाउन नहीं आएगा, वी इज प्लूरल नाउन, इसलिए वी के साथ हैव आएगा, प्लूरल नाउन वाला रूल. सो वी हैव मेड शेल्टर फॉर स्ट्रे डॉग्स. पीटर सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसमें रूल सिंगुलर नाउन वाला आएगा. सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? क्या लिखते हैं बेटा? हैज. सो पीटर हैज डिसाइड का थर्ड फॉर्म डिसाइडेड टू क्विट स्मोकिंग. ओके, नाउ लेट्स कम टू पास्ट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काम शुरू हुआ था पास्ट में पर अभी अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है. पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर समथिंग दैट हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट एंड रेफर्स टू द टाइम इन द पास्ट. यानी कि वो काम शुरू भी पास्ट में हुआ था और ख़त्म भी पास्ट में ही हो गया था. हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि वो काम शुरू हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया था. तो काम हो रहा था पास्ट में, राइट? वी यूज हैड. पास्ट में काम शुरू हुआ था और पास्ट में ख़त्म हो गया था. हमें ये शो करना है, कंप्लीशन ऑफ वर्क शो जहाँ होता है वहाँ परफेक्ट टेंस आता है. ओके, अब कंप्लीशन ऑफ वर्क अभी हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है. कंप्लीशन ऑफ वर्क
पास्ट में हुआ था तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है. ओके, सो वी यूज हैड विद पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट के केस में आपका क्या था, सिंगुलर नाउन के साथ हैज, प्लूरल नाउन आई और यू के साथ हैव. और पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, आई हो यू हो, सब के साथ क्या लगता है, हैड. और पास्ट पार्टिसिपल या फिर थर्ड फॉर्म तो लगना ही है, वो परफेक्ट टेंस का रूल है, वो तीनों के केसेस में वही है, थर्ड फॉर्म यूज होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपका थर्ड फॉर्म यूज होता है बच्चे. ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. आफ्टर एवरीवन डैश, अब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड आना ही है और कोई वो ही नहीं है इसमें. तो आफ्टर एवरी वन हैड और डांस का थर्ड फॉर्म क्या है, डांस्ड. सो हैड डांस्ड, द जजेस अनाउंस्ड द विनर. शीना टोल्ड मी दैट शी हैड गॉन फॉर अ वॉक. हैड और गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन. लीना हैड और थर्ड फॉर्म क्या है, लिव्ड ऑल हर लाइफ इन द यूके. नंबर फोर ही had, write का third form written, he had written three books when he suffered a stroke. Number five, I had work का third form worked, I had worked in this factory when I was 25. Number six, they had, meet का third form met, they had met earlier when they were kids. Okay? Now future perfect tense. Future perfect tense expresses the idea that something will occur at a specific time or before another action in the future. जो चीज होगी एक इस time के बाद या इस action के बाद ये काम होगा future में, तो वो future perfect tense होता है. इसके साथ हम क्या use करते हैं, will have. We use will have with the past participle or third form of the verb. Verb के third form के साथ हम क्या use करते हैं इसमें, will have. Okay, let's move to the exercises given on page 69. Fill in the blanks with the future perfect forms of the verbs given in the bracket. By the time she reaches Mumbai, she will have तो आएगा ही, और drive का third form है driven, will have driven about 200 kilometers. Next, I have not travelled much, however by the next year I will have, तो आएगा ही आएगा क्योंकि future perfect tense है. So I will have, see का third form क्या है, seen, I will have seen the whole Europe, whole of Europe. Number three, she will have, or find ka third form, found. So she will have found her secret friend by tomorrow. Number four, by the time they get here, we will have waited, wait ka third form, waited. So we'll have waited for them for 4 hours. Number five, she will have, or change ka third form, changed. She will have changed her residence by May next year. Number six, the clouds will have, disappear ka third form, disappeared. The clouds will have disappeared when we reach home. Okay? So this exercise is also completed. Now children, turn to page number 70. Read the information about Shakuntala Devi given in the table below. एक टेबल दिया हुआ है, इसमें शकुंतला देवी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है. शकुंतला देवी से रिलेटेड एक मूवी भी आई है,
सबने देखी होगी, शकुंतला देवी नाम से ही मूवी है। नहीं देखी तो इस मूवी को देखो आप, वॉच दिस मूवी सो दैट आपको शकुंतला देवी के बारे में पता चले, राइट? या आपको यूट्यूब पे मूवी मिल जाएगी। सो द नेम इज शकुंतला देवी, शी वॉज नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर। शी वॉज बॉर्न ऑन 4th November 1929 बैंगलोर। चाइल्डहुड क्या था, फादर एक मजिशियन थे। स्टार्टेड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन शी वॉज 3। स्टार्टेड डूइंग रोड शोज ऑन हर मैथमेटिकल स्किल्स। पहले कार्ड्स खेलती थी जब वो 3 की थी, फिर उसने अपने मैथमेटिकल स्किल्स का शो करना, रोड शो करना शुरू किया। एजुकेशन, कोई स्कूल एजुकेशन नहीं मिली क्योंकि वो घूम घूम के शोज करती थी। रिकॉर्ड, कुड कैलकुलेट 13-digit मल्टीप्लीकेशन इन 28 seconds। 13-digit मल्टीप्लीकेशन, सो जस्ट इमेजिन 13-digit का जो नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन वो सिर्फ 28 seconds में कर लेती थी। ये उनका रिकॉर्ड है, गिनीज बुक रिकॉर्ड। ट्रैवल, शी ट्रैवल टू मैनी कंट्रीज़। पहले वो छोटे स्केल पे रोड शोज़ करती थी, जब वो पब्लिसिटी मिली धीरे 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 धीरे, फिर वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाके शोज़ करने लग गई। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने ट्रैवल किया, USA, चाइना, जापान, श्रीलंका, कैनेडा, स्पेन, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। अवार्ड्स, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड वुमेन अवार्ड मिला था उनको 1969 में। देन रामानुजन मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड मिला था 1988 में। रामानुजन वॉज ऑल्सो अ मैथमेटिशियन, उनके नाम से ये अवार्ड मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड शकुंतला देवी एजुकेशनल ट्रस्ट फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द पुअर। गरीब बच्चों को एजुकेशन के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट शुरू किया था, शकुंतला देवी एजुकेशनल ट्रस्ट। डेथ कब हुई उनकी, 21st April 2013 में। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल टू राइट द बायोग्राफी ऑफ शकुंतला देवी। आपको बायोग्राफी लिखना आना चाहिए, यानी शकुंतला देवी के बारे में लिखना आना चाहिए, उनकी लाइफ के बारे में। सो ये फिल्म द ब्लैंक्स में बायोग्राफी गिवन है, यू हैव टू कंप्लीट इट। शकुंतला देवी वॉज एन इंडियन राइटर एंड इज पॉपुलरली नोन एज दी, कैसे क्या बोला जाता था उनको, ह्यूमन कंप्यूटर। सो ह्यूमन कंप्यूटर। शी वॉज बॉर्न इन, जगह का नाम, कहाँ पैदा हुई थी, शी वॉज बॉर्न इन बैंगलोर। ऑन, डेट क्या है, 4th November 1929। हर फादर वॉज अ, क्या थे उसके फादर, उनके फादर थे मजीशियन। सो हर फादर वॉज अ मजीशियन। एज अ रिजल्ट शी स्टार्टेड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन शी वॉज 3। इसलिए उन्होंने कब कार्ड्स खेलना शुरू कर दिया था, जब वो सिर्फ 3 years की थी। सोन शी स्टार्टेड डूइंग डैश रोड शोज, फिर उन्होंने जल्दी रोड शोज करना शुरू कर दिए थे। सरप्राइजिंगली शकुंतला देवी डिड नॉट गेट एनी स्कूल एजुकेशन, हाउ एवर हर मैथमेटिकल जीनियस वॉज अनपैरल्ड, यानी कोई मुकाबला नहीं था किसी का उनके मैथमेटिकल जीनियस से, यानी वो बहुत ही जीनियस थी मैथमेटिक्स में, ऐसा कोई भी दूसरा नहीं था। शी सेट द न्यू गिनीज बुक रिकॉर्ड इन द ईयर 1982 बाई कैलकुलेटिंग 13-digit मल्टीप्लीकेशन इन 28 seconds। ओके, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। देन नेक्स्ट पेज, ऑन पेज 71 इट इज कंटिन्यूड। शकुंतला देवी ट्रैवल टू मैनी कंट्रीज लाइक स्पेन, इंडोनेशिया, कैनेडा, USA, चाइना, जापान एंड मलेशिया। शी ऑल्सो वन मैनी अवार्ड्स, द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ देम बींग द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड वुमेन अवार्ड इन द ईयर 1969 एंड द रामानुजन मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड in 1988. She started a charitable organization called the Shakuntala Devi Educational Trust to give education to the poor. So beta, sari information main is table se use kar rahi hu. So dekho, wahi information use karke yahan pe bana rahi hu. I'm writing it. Right? ये फिल द ब्लैंक्स में दिया हुआ है, ऐसे खुद भी फॉर्म करना है तो इसी तरीके से उनके लाइफ के बारे में लिखते हैं, राइट? She started a charitable organization called the Shakuntala Devi Educational Trust to give education to the poor. Shakuntala Devi died on, कब मरी थी वो, डेट देखो दी है 21st April 2013.
21st April 2013 at the age of 83 because of ill health. On 4th November 2013, she was honored with a Google Doodle on what would have been her 84th birthday. Okay? So, complete this work. And children, you should know how to write the biography because I have given you your activity also to write the biography of APJ Abdul Kalam. Okay? So, kindly complete your work. Do all the back exercises. If you have any confusion, you may ask. Okay? So, clarify your doubts and complete your work. Thank you, children. Have a nice day.